मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे चैनल पर सपनों की खूबसूरत दुनिया में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, इसी कामना के साथ आइए चलते हैं आपको लेकर सपनों की खूबसूरत सी दुनिया में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिन भर की जो थकान है वो निद्रा से ही दूर होती है। बिना सोए तो आराम मिलता नहीं है, लेकिन अगर सोते समय हमें सपनों की दुनिया में कुछ अच्छी चीज़ें दिख जाएं तो सोने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कभी स्वप्न भयावह, बुरे डरावने आते हैं, कभी अच्छे प्रेम भरे हंसी वाले सपने, तो कभी कुछ तो कभी कुछ सपने में आ जाता है। और हम कोई प्लानिंग करके तो सोते नहीं हैं कि आज सपने में हमें ये देखना है। तो दोस्तों, ये सपने क्यों आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं और आखिर इनका मतलब क्या है? क्या ये शास्त्रों में इनके कुछ प्रमाण हैं? जी हाँ, शास्त्रों में भरे पड़े हैं इनके प्रमाण, जैसा कि रामचरित इत्यादि ग्रंथों में भी है। बार बार बताया गया है कि जो भरत जी थे वो स्वप्न देखते थे और बुरे स्वप्न देखते थे अपने ननिहाल में जा करके, और उसका परिणाम ये हुआ कि महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए और देखी रात ही भयानक सपना, जागी करहिं कटु कोटि कल्पना, कछु कोटि कल्पना। तो इस तरह से श्री भरत कहके नरेश के यहाँ स्वप्न देखते थे और उसका परिणाम बुरा ही हुआ दोस्तों। और सुंदरकांड में श्री जानकी माता को त्रिष्टा ने जो स्वप्न देखा था वो सुनाया था कि स्वप्न में एक देखा स्वप्न में कि एक बंदर आया है और बंदर ने लंका जला दिया है और विभीषण को राज्य मिला है, दशानन का वध हुआ है। वो सारी चीज़ें सच हुई और विभीषण का को राज्य भी मिला, लंका जल करके खाक भी हुई। तो ये सपने जो थे, सपने वानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, यही विदिशो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई, यह सपना मैं कहाऊँ पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी। तो दो चार दिन में मतलब बहुत शीघ्र त्रिष्टा ने दुखी जानकी को देख करके कहा कि हे बेटी, ये सपना मेरा तो लगता है कि प्रातःकाल का स्वप्न है, जल्दी ही सच होगा। दोस्तों, जो प्रातःकाल के समय ब्रह्म मुहूर्त में जो सपना देखा जाता है वो तो 100% सत्य होता है, जो 3 बजे के बाद स्वप्न देखा जाता है। तो दोस्तों, अगर सपना वैसे भी कई बार हमारे शास्त्र में प्रमाण है, जैसा कि प्रभु राम चित्रकूट में थे तो श्री जानकी माँ ने स्वप्न देखा था और प्रभु राम को स्वप्न के बारे में बताया था और राम जी ने कहा था लक्ष्मण को बुलाकर प्रातःकाल की, हे लक्ष्मण, ये स्वप्न शुभ नहीं है। तो लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। और सचमुच माताएं विधवा हो गई थीं और भरत चित्रकूट में दुखी होकर सारी सेना को लेकर के राम जी के चरणों में समर्पित करने के लिए आ रहे थे, तो वो सारी चीज़ें सच हुई थीं। तो दोस्तों, आइए उसी के अनुसार आज हम जानते हैं दोस्तों कि अगर आपने स्वप्न में कहीं दूध देखा है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। जी हाँ, इंसान अगर कोई भी सपना देखने वाला और सपने में दूध देख रहा है तो दोस्तों, ये दूध का स्वप्न बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा सपना देखने के बाद तो व्यक्ति को बहुत खुश होना चाहिए और ज्योतिष की माने तो ऐसा कहा जाता है कि सपने में अगर दूध दिखा तो आपकी आर्थिक तंगी बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। आर्थिक उन्नति को लेकर के ये सपना आया है अगर आपने दूध को देखा है तो। तो दोस्तों, सपने में अगर दूध आया है तो आपकी आर्थिक उन्नति निश्चित है और जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयासरत हैं तो वो कामयाब होंगे आप, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, ये रहा स्वप्न में दूध देखने का शुभ शुभ परिणाम। दोस्तों, अगर
आपको और भी ढेर सारी जानकारियां प्राप्त करना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक हर जानकारी आसानी से पहुंच जाए और आप भी सपनों की बातें जान पाएं। दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें और हम कोशिश करेंगे आप तक हर जानकारी पहुँचाएँ। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।